को 26 जनवरी पर राजभवन में सम्मानित किया गया है। उन्हें स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। इस दौरान जन टीवी से उन्होंने खास बातचीत की। क्या कुछ खास है उनके लक्ष्य हैं, पेश एक रिपोर्ट। स्तर पर विख्यात धोध ग्रुप के डायरेक्टर रईस भारती आज हमारे साथ हैं और उन्हें आज स्टेट स्तर का अवार्ड भी मिला है। आज उनसे जानते हैं कि किस तरह 110 देशों में अपने जो इस राजस्थानी फोक संगीत और गीत को लेकर जा रहे हैं। नमस्कार, सबसे प्रथम मैं कहना चाहूंगा मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि धोध ग्रुप पूरी दुनिया भर में हम राजस्थानी संस्कृति को लेकर जा रहे हैं। करीब पिछले 20 वर्षों से पूरी दुनिया भर में राजस्थान भारत का झंडा लहरा रहे हैं और अभी मैं कल ही पेरिस से वापस आया हूं। 20 टूर के अंदर मैं राजस्थान आया हूं तो मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मुझे राजस्थान सरकार से सम्मान मिला है, राजस्थान स्टेट अवार्ड। तो हमारे लिए राजस्थानी होने के नाते राजस्थान में मेरा जन्म हुआ, रईस भारती मेरा नाम है, भारती भी इसलिए रखा है क्योंकि आई एम प्राउड टू बी इंडियन। और धोध ग्रुप मैं वापस परसों विश्व यात्रा पे जा रहा हूं जहां यूरोप, अमेरिका, कई देशों में हम कार्यक्रम देने वाले हैं और धोध ग्रुप पूरी दुनिया भर में हमारा प्रयास रहता है कि हम पूरी दुनिया में। भारतीय एक बात बताइए, आप जो राजस्थानी फोक्स गीत संगीत की बात करते हैं, क्या आप मानते हैं कि राजस्थान में ही, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ की जो स्थानीय जो लोक संगीत की कला है वो यहाँ पर पिछड़ रही है? देखिए, आज मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे लिए हमारे जहाँ पहचान, जहाँ हमारा जन्म हुआ, राजस्थानी संगीत बड़ा ही रिच संगीत है। पूरी दुनिया भर में राजस्थानी संगीत जैसा कहीं नहीं है क्योंकि हमारी जो जड़ें बड़ी मजबूत है। हम चाहते हैं इसको प्रिजर्व करें, इसको जिंदा रखें, यही प्रयास हमारा रहता है। इसलिए इसको बहुत जरूरी है कि हमारे जो पीढ़ियों से हमने जो सीखा, हमारा खानदानी परिवार है, धोध जो ग्रुप है राजस्थान में सीकर के पास छोटा सा गांव, उसके नाम से मैंने ग्रुप रखा था, पर हमारे संगीत को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। इसकी आपको जीती जाती मैं पहचान बताना चाहूंगा। मेरे बीच में संजय खान जी लीडर सिंगर है धोध ग्रुप के। ये आज भी 200-200 साल पुराने गाने जो हमारे दादाजी ने परदादा ने सिखाया है उनको आज तक इन्होंने जिंदा रखा है। तो ये संजय खान जी है, हमारे सिंगर है। और आप ये देखिए, अनुराग हुसैन बहुत अच्छे तबला बजाते हैं, ये मेरे भतीजे। तो हमारा फैमिली ट्रेडिशन कंटिन्यू चल रहा है। अभी राजस्थान में आप क्या कर रहे हैं? पीछे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो पहुंच गए, लेकिन पीछे क्या छोड़ गए? पीछे देखिए कि हमारी जो संस्कृति जो है उसको जिंदा रखने की, आज तक मैं करीब 20 सालों में 800 राजस्थानी कलाकारों को छोटे छोटे गांवों से ले जाकर उनको तैयार कर आज विश्व स्तर इंटरनेशनल फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स में हमने प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। और राजस्थान के संगीत को जिंदा रखने के लिए हमेशा मेरा प्रयास रहता है, मेरा पूरा जीवन समर्पित है राजस्थानी कला और नृत्य को। क्या विशेष क्या रहता है उसमें राजस्थान को? देखिए, इस साल हमारा खास कर ये रहेगा, धोध ग्रुप हम करीब 100 कलाकारों को लेके जाएंगे जिसमें ब्रास बैंड है, राजस्थानी लोक गायक है, कलाकार है, तबला है, करताल है, जो ढोल वाले जो शादी ब्याह बजाते हैं उनको भी लेके जा रहा हूँ। तो हमारे करीब 50 शहर अमेरिका में टूर करने वाले हैं, इसके पश्चात हम यूरोप में टूर करने वाले हैं, डिस्नीलैंड पेरिस में बजाने वाले हैं। तो एक खास रहेगा, ये पहली बार इतिहास में होगा कि 100 राजस्थानी कलाकार एक साथ यूरोप और अमेरिका टूर करने वाले हैं। तो बदलाव के दौर में राजस्थान के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की लोक और संगीत की कला को रईस भारती जी पहचान दिलाने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन मनमोहन के। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।